किसने पूछा है कि आपके ख्याल से वर्जिनिटी कौमारित्व का कितना महत्व है? क्या जरूरी है कि एक लड़की वर्जिन हो? क्या जो लड़की वर्जिन नहीं है उसे शादी नहीं करनी चाहिए? इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि जो वर्जिनिटी की कांसेप्ट है ये आई कहाँ से। पहले जमाने में द्रौपदी के लिए 5 पति हुआ करते थे। बहु पति प्रथा हैविंग मेनी हस्बैंड्स वाज ए वेरी कॉमन थिंग इन द पास्ट। समय के साथ साथ में इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी वर्जिन ना हो, चाहता तो है चाहे मिले या ना मिले। और कंप्रोमाइज भी करने लगे हैं कि समझते हैं कि मैं खुद जब कुंवारा नहीं हूँ तो मैं एक कुंवारी लड़की की खोज क्यों कर रहा हूँ। उनको समझाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बेसिकली ऑल द मेल्स दे वांट देयर वाइफ टू बी वर्जिन, दैट इज अ फैक्ट। इसके पीछे कारण क्या है? पहले ज़माने में शादी जो शुरू हुई थी, शादी की प्रथा जो शुरू हुई थी, उसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू टॉक अबाउट द वर्जिनिटी। शादी कब शुरू हुई? पुराने ज़माने में पुरुष जाके जंगल में शिकार करते थे और जो नारियाँ होती थी, स्त्री होती थी, औरतें होती थी, वो जहाँ रहते थे उस जगह देखभाल करती थी। जब विवाह की प्रथा ही नहीं थी, व्हेन द मैरिज डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल द सोसाइटी, पीपल स्टे एज अ ग्रुप, झुंड में रहते थे, ग्रुप में रहते थे। ग्रुप में पति पत्नी का कंसेप्ट था नहीं, कोई किसी के साथ भी सहवास या सेक्स कर सकता था क्योंकि पति पति का कंसेप्ट नहीं था। तो कुछ औरतों ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम सब मिलकर, जब बैठे हुए खाली औरतें बात कर रही होंगी कि बैठे बैठे थोड़ा बहुत यहाँ अनाज उगा लें, कुछ इस प्रकार के काम कर लें खेती बाड़ी का। और जब करने लगे तो उन्होंने पुरुषों को सुझाव दिया कि कभी बारिश हो रही है, कभी तूफान है, कभी बहुत गर्मी है, आप लोग जाते हो जंगल में शिकार करने के लिए, कभी शिकार मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो आप भी ये खेती बाड़ी जो हम लोग करते हैं औरतें उसको क्यों नहीं कर लेते हैं? आप देखोगे खेती बाड़ी औरतें बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। तो बात तो समझ में आई पुरुषों की, उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू किया। खेती बाड़ी करते करते जो पुरुष ज़्यादा शक्तिशाली था, ही हैड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ही कुड कल्टिवेट मोर लैंड, ज़्यादा लैंड, ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा लैंड, बड़ा बड़ा लैंड होने लगा। तो पुरुष के मन में ये लगा कि ये ज़मीन जो इतनी बड़ी है ये मेरी है, क्योंकि मेरे मेहनत से मैं अनाज उगाता हूँ, ये ज़मीन मेरी है। कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्टेड, संपत्ति के बारे में धारणाएँ बनने लगी, ज़मीन एक संपत्ति, इसकी धारणा बनने लगी धीरे धीरे। तब पुरुष ये सोचने लगा कि जो मैं इतना बड़ा ज़मीन है मेरा, जब मर जाऊंगा तो किसके पास जाएगा? तो उसने एक आइडिया निकाली मैरिज की, विवाह की। ये पुरुषों के दिमाग से उपज हुई एक संस्था है, विवाह मैरिज। उसने औरत से कहा, पुरुष ने, कि देखो मैं तुम्हारी सब देखभाल कर सकता हूं, तो रक्षा करूंगा, तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, तुम्हारे जो भी जिम्मेदारी है उठाऊंगा, शर्त यह है कि तुम और किसी के साथ सहवास या सेक्स नहीं करोगी। मैं ये श्योर होना चाहता हूं कि जो भी बच्चे पैदा होंगे तुमसे, वो केवल मेरे ही बच्चे होंगे और किसी के बच्चे नहीं। तो ये तय करने के लिए कि बच्चे मेरे ही होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी था कि जो पति बनेगी और किसी के साथ सेक्स नहीं करेगी। वो बात आज भी पुरुष लागू करते हैं, और किसी का बच्चा पुरुष को सहन नहीं होता है, अपना ही बच्चा होना चाहिए, क्योंकि मेरा उत्तराधिकारी वो है, मेरा संपत्ति का मालिक वो बनने वाले हैं, सब कुछ संपत्ति से जुड़ा हुआ है। बहुत गहरे तल पर, मानसिक तल पर, ऊपर से आप कह सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपका संपत्ति आपके देहांत के बाद किसी और को, किसी और के बेटे को दे दिया जाए? अनलेस यू रियली वांट दैट वे, आप नहीं चाहेंगे। तो ये एंश्योर करने के लिए बच्चे मेरे ही हैं, पुरुषों ने स्त्री से ये अनुबंध किया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए तो हम कहते हैं कि मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट। जो हिंदू मैरिज कोड है, हिंदू मैरिज एक्ट है,
इस पूरी किताब में लीगल बुक में है क्या? आपने कभी देखा होगा तो इसमें विवाह के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में, स्नेह के बारे में, आदर के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये जो हिंदी मैरिज एक्ट है, इसमें केवल संपत्ति किस प्रकार से विभाजन होगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कैसे कैसे बनेंगे, केवल संपत्ति के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि आधार है हमारे हिंदू समाज में विवाह का। मुसलमानों में देखेंगे तो वहाँ भी ऐसे ही है, महर की सिस्टम होता है कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे, पैसे की बातें करते हैं, वहाँ भी प्रॉपर्टी का है। क्रिश्चियनिटी में प्रॉपर्टी का है, क्योंकि पति मर जाए तो पत्नी को मिलेगा, उसका अधिकार है, राइट है, लीगल राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर, पैसे के ऊपर। तो इट्स बेसिकली अबाउट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दिस इज सोशल अरेंजमेंट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। शादी से प्रेम का, प्यार का कोई संबंध नहीं है, जोड़ा जाता है, आशा की जाती है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, इस प्रकार आशा की जाती है, यूटोपियन थॉट्स है, आशा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन साथ साथ रहते रहते आदत सी बन जाती है, और लगता है पति को कि पत्नी से प्यार करता है, पत्नी को लगता है पति से प्यार करती है, लेकिन प्यार एक सेकंड में काफूर हो जाएगा जब पति को पता चले कि उसकी पत्नी और किसी के साथ सेक्स करती है, ऐसा राज करती है। इन चीज़ों से शुरुआत हुई ये कंसेप्ट ऑफ वर्जिनिटी, पवित्रता की, फिजिकल प्योरिटी की बात करते हैं वर्जिनिटी, मेंटल प्योरिटी की बात नहीं कर रहे। चाहे मेंटली आप कितने पुरुषों के साथ जितने भी संबंध रहे हों, उसको कहते हैं प्लेटोनिक लव था मेरा, फिजिकल नहीं था, मैं वर्जिन हूँ। तो वर्जिन को एक आदर्श के रूप में माना जाता आ रहा है। वर्जिनिटी औरतें, ये पुरुषों का तरह बनाया हुआ एक शब्द है वर्जिनिटी और कौमारित्य, जिससे पुरुष ये एंश्योर करना चाहता है कि पत्नी ने और किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए हुए। इसका एक दूसरा बड़ा कारण है, कोमल लगा हुआ हो, उन्होंने इजाद नहीं किया है। जब पत्नी के साथ सेक्स नहीं की है तो कुमारी है, वर्जिन है। तो शादी हो जाएगी तो सबसे पहली बार जिंदगी में शारीरिक संबंध या सेक्स वो करेगी अपने पति के साथ, और उसके बाद तो किसके साथ वैसे भी नहीं कर सकती, बंधन है शादी का, पुरुष चाहता है कि सबसे दूर रहे, यही चलता आ रहा है। तो जब वर्जिन होती है और उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सेक्स नहीं होता है, और शादी होती है तो जिस प्रकार के भी सेक्स होती है, जिस प्रकार की भी अनुभूति होती है, और जैसा भी पति करता है उसी को ही पत्नी समझती है कि सेक्स है, संभोग है, उसी को मान लेती है। तो ऐसी औरतें देखी गई हैं जो कि जिंदगी भर दो तीन बच्चों की माँ बनने के बाद भी कभी भी महसूस नहीं किया ऑर्गाज्म क्या होता है, दैहिक सुख क्या होता है, और संभव का सुख क्या होता है, वो जो चरम तृप्ति का अनुभव होता है, ज़्यादातर महिला तो इसको महसूस भी नहीं की होती है, जबकि दो तीन बच्चों की माँ भी होती है, क्योंकि पति को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है सेक्स का विवाह से पहले, तो वो स्थिति में होती ही नहीं कि वो कंपेयर कर सके। पति भी यही चाहता है कि पति उसे और किसी से कंपेयर ना करे, इसलिए वर्जिनिटी पे जोर दिया जाता है और सतीत्व पे जोर दिया जाता है, क्योंकि पति घबराया हुआ, डरा हुआ है कि किस दिन यदि मेरी पत्नी और किसी के साथ सेक्स कर ले और ये पाए कि मुझसे वो बेहतर है, तब वो पत्नी उसके साथ रहने में असमर्थ हो जाएगी। मैं पति के साथ मजबूरी कारण रह सकती है शायद, लेकिन मन से जरूर हट जाएगी, ये डर है, ये भय है। दिस इज द साइन ऑफ इनएडिक्वेसी एंड द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन मेल्स। तो पुरुषों ने बनाए है वर्जिनिटी का, पुरुषों ने बनाए है बंधन कि और किसी को ना देखे ना कुछ करे। पतियों का पति के प्रति इस प्रकार भावना नहीं होती है, बिकॉज दे आर श्योर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज। कोई पत्नी घबराती नहीं, डरती नहीं कि कहीं पति किसी पास कहीं चला जाए, तो डरती नहीं है। पुराने जमाने में तो पतियों का जो रईस पति होते थे, पैसे वाले होते थे, उनकी तो ये साइन हुआ करता था कि उनके कोई दूसरी औरत का संबंध हो। गांव में, शहरों में नगरवधु होती थी,
जो कि प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, जहाँ की इस प्रकार के काबिल लोग जाया करते थे, उसको सम्मान में समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। कोई गणिका को असम्मान की दृष्टि से पहले देखता नहीं था। अभी भी दुर्गा पूजा होती है तो जो वेश्या होती है और प्रोस्टिट्यूट होती है उनके घर के द्वार से, उनके घर के से पीछे से जमीन से मिट्टी लेके लाया जाता है, पूजा होती है और उस मिट्टी को बाकी मिट्टी में मिलाकर दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाई जाती है। ये सम्मान के सूचक है। पत्नियाँ डरती नहीं थी कि पति कहीं चला जाएगा, पत्नी को पता है अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन पति को नहीं है विश्वास, पति डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो ये दृष्टिकोण की बात है। तो ये वर्जिनिटी जो है ये पुरुषों के द्वारा बनाई गई एक सिस्टम, एक तरीका है कि पत्नियों को, औरतों को काबू में रख सके। शादी से पहले भी वर्जिनिटी की इसलिए दुहाई दी जाती है, बताई जाती है कि उसको एक्सपीरियंस ना हो, पवित्र होते की बातें की जाती है और उसको औरतों ही सिखाती हैं, दूसरों औरतों को माँ सिखाएगी बेटे को वर्जिनिटी के बारे में। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वर्ड वर्जिनिटी और कुमारत्व पुरुषों का द्वारा ईजाद की हुई एक तरकीब है। इतने ध्यान से सुना इसलिए मन ग्रहित हूँ। ऐसे और वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों का शेयर करें। नमस्कार।